Hey guys, कैसे हो आप लोग? अब ये जो फोन है ना, ये है OnePlus का Nord CE. अब इस फोन को मैं पिछले दो हफ्तों से एज माय डेली ड्राइवर यूज कर रहा हूँ एंड मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा है. अब इस फोन में थोड़े से ना इश्यूज हैं एंड ये जो इश्यूज हैं आप लोगों को पता जरूर होने चाहिए कि अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो. एंड वैसे ये जो इश्यूज हैं मोस्टली हैं तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही, शायद अपडेट्स में आगे ठीक हो सकते हैं, बट हम यही लेके चलेंगे कि आगे नहीं ठीक होते तो मैं आप लोगों को उसी के हिसाब से इसका रिव्यू देने वाला हूँ. अब मैं आप लोगों को एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर तो आप लोग कोई सैमसंग या रियलमी के फोन के साथ इसको कंपेयर करके लेने का सोच रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को कहूंगा गो विद सैमसंग और रियलमी फोन्स. ये फोन आप लोगों को तभी ही लेना चाहिए अगर आपको एक्सप्लिसिटली ऑक्सीजन ओएस या स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस चाहिए. अगर आप लोग किसी भी यूआई के साथ कंफर्टेबल हो ना, तो मैं आप लोगों को ये फोन नहीं रेकमेंड करूंगा, बिकॉज इसका मेन सेलिंग पॉइंट ना सिर्फ ऑक्सीजन ओएस है. तो बाकी अब मैं आप लोगों को आगे पूरा रिव्यू में अंदर जाके समझाता हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इट स्टार्टेड. हे गाइस, मेरा नाम है पुरु रोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू शटर क्लोज्ड. तो OnePlus Nord CE के रिव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं. तो अब सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा वो है इसका बिल्ड एंड डिजाइन. अब आप लोगों को इस फोन के अंदर फुली प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाता है एंड इस प्राइस रेंज पे आप लोगों को काफी ऐसे फोन मिल जाते हैं जिनमें आप लोगों को ग्लास बैक्स देखने को मिल जाती है या मेटेलिक बॉडी देखने को मिल जाती है. अब ये दोनों चीजें एस्थेटिक्स एंड थोड़ा बहुत इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको बढ़ाती हैं, बट इन दोनों चीजों के साथ ना आपके फोन का वेट भी बढ़ जाता है. तो यहाँ पे OnePlus ने जो प्लास्टिक यूज किया इसके कारण आपका फोन का जो वेट है ना, ये तो कम होता ही है, बट इसकी जो एस्थेटिक वैल्यू है ना वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसकी जो बैक है ना बहुत सुंदर है. आप लोगों को इसके अंदर एक डुअल टोन बैक देखने को मिल जाती है एंड कई ग्लास एंड मेटेलिक बैक से अच्छी है. तो इसकी जो एस्थेटिक्स है ना ये काफ़ी अच्छे हैं, बट इसका जो वेट है बाकी नॉर्मल फोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है. अगर हम इसके फ्रंट पे बात करें तो आपको इसके फ्रंट पे जो स्क्रीन देखने को मिल जाती है, इसमें आप लोगों को एक पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है एक टॉप लेफ्ट पे. एंड ये जो स्क्रीन है ना, इसके ऊपर आप लोगों को कोई गोरिल्ला ग्लास की सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है. तो हो सकता है कि ये जो ग्लास यूज़ किया है OnePlus ने शायद थोड़ी पुअर क्वालिटी का हो, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस फ़ोन को यूज़ करते टाइम कि आप इसे ड्रॉप ना कर दो, बिकॉज चांसेस हैं कि अगर आप इसे ड्रॉप करते हो तो आपकी स्क्रीन शैटर हो सकती है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास एक लेवल प्रोवाइड करता है एंड इसका अगर गोरिल्ला ग्लास नहीं है, जो कि OnePlus ने नहीं बताया कि क्या है, तो हो सकता है कि क्वालिटी थोड़ी सी पुअर हो. साथ ही साथ आप लोगों को इस फोन के अंदर अंडरस्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है. अभी जो सेंसर है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, मेरे को कोई भी इशू नहीं आया कि अगर मेरे हाथ थोड़े से भी वेट थे या डस्ट वगैरह लगी थी कि स्कैनर ने नहीं वर्क किया. रिलायबिलिटी के मामले में मैं 100% कहूँगा कि स्कैनर बहुत अच्छा है, बट एक जो चीज़ है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसकी जो स्पीड है ना स्लो है, थोड़ा सा फास्ट हो सकता था. तो स्पीड के मामले में मैं इसको कहूँगा कि मतलब ओके, कोई बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ रिलायबिलिटी के मामले में तो एक्सीलेंट है, मतलब बहुत अच्छा है रिलायबिलिटी के मामले में. अब आप लोगों को एक ऐसा ही सिमिलर सिक्योरिटी फीचर फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है इस फोन में. एंड ये जो फेस अनलॉक का फीचर है ना, बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा पुअर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. आप लोग एक फ़ोटो यूज़ करके इसके फेस अनलॉक से इसको अनलॉक कर सकते हो, तो फेस अनलॉक इसकी जो है ना बहुत कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. तो हम स्क्रीन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इसके डिस्प्ले के बारे में भी अब बात कर लेते हैं. तो आपको इसके अंदर एक 6.43 इंच की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है. ऑल्सो ये जो स्क्रीन है ना, ये 90 हर्ट्ज़ का भी रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. तो ये स्क्रीन जो है ना बहुत सुंदर है, मतलब सीरियसली कहूँ बहुत सुंदर स्क्रीन है एंड इसके अंदर कोई भी इश्यूज़ नहीं है. इवन लो ब्राइटनेस के अंदर जैसे OnePlus Nord के अंदर थे कुछ इश्यूज़ की टिंट आ जाता था, इसके अंदर कुछ भी वैसा इशू नहीं है. एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर स्क्रीन है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्क्रीन. एंड साथ में इसकी जो ब्राइटनेस है ये भी काफ़ी अच्छी हो जाती है. अगर आप धूप में भी यूज़ कर रहे हो ना, डायरेक्ट सनलाइट में भी, तो आप लोगों को ऐसा इशू नहीं आता कि आप लोगों को फ़ोन की स्क्रीन नहीं दिख रही है. तो इसकी डिस्प्ले तो बहुत बढ़िया है. तो अब इसकी ब्राइटनेस के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इसकी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस भी देख लेते हैं. तो अभी जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल सही नहीं लगी मुझे, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है इसकी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस. अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो एंड आपके सीन में कुछ लाइट वगैरह ब्राइटनेस कुछ चेंज नहीं हो रही ना, तो भी फ़ोन की जो ब्राइटनेस है अपने आप ऊपर नीचे होती रहती है. दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग. आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत इरिटेटिंग लगता है कि इसकी जो ब्राइटनेस है फ्लक्चुएट होती रहती है एंड साथ ही साथ ये चीज़ आपकी आइज़ के ऊपर भी स्ट्रेन डालती है. तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि इसका जो एम्बियंट सेंसर है बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने तो इसकी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बंद ही कर दी हुई है. तो आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि अगर आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस यूज़ करना पसंद करते हो ना, तो इसके अंदर वो चीज़ बहुत बुरी है.
एंड साथ ही इसका ब्राइटनेस का एक और इशू है कि अगर आप YouTube, Netflix कहीं पे भी HDR कंटेंट देख रहे हो ना, तो HDR कंटेंट देखते हुए आपकी स्क्रीन एक बार तो फुल ब्राइटनेस में चली जाती है, बट जब आप कंटेंट यूज कर रहे हो देख रहे हो ना, तो 30 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीन की ब्राइटनेस एकदम से गिर जाती है एंड एक दो सेकंड के बाद फिर बढ़ जाती है एंड ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आपको HDR कंटेंट देखने का मज़ा बिल्कुल ही नहीं आता, बिकॉज इसकी ब्राइटनेस बहुत ऐसे 30 सेकंड के साइकिल के अंदर फ्लक्चुएट करती रहती है। अब इसका जो एक सोल्यूशन था, मुझे मिला कि स्क्रीन टाइम आउट को मैं 30 मिनट्स कर दूँ, तो 30 मिनट्स के बाद ऐसा हो रहा था कि स्क्रीन कैसे साइकिल 30 मिनट्स का हो गया था। तो मुझे जो अल्टरनेट इसका मिला वो था कैफीन ऐप यूज़ करना, जैसे स्क्रीन टाइम को मैं इन्फिनाइट सेट कर सकता था, तो उसके कारण मुझे ऐसे इश्यूज नहीं देखने को मिले। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो आप लोगों को इसके अंदर ऑक्सीजन OS 11 विद एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाती है। अब इस फोन का जो मेन सेलिंग पॉइंट है ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था, इसका स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस ही है, तो इसके अंदर आप लोगों को ऑक्सीजन OS मिलती है। वन प्लस को पता है कि जो लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है ना, उनको इस प्राइस रेंज में 23,000 के प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं मिलने वाला जिसके अंदर आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो आपके पास एक यही वन एंड ओनली ऑप्शन है वन प्लस नॉट CE कि आप यही फ़ोन खरीदोगे अगर आपको स्टॉक एक्सपीरियंस चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, यही एक रीज़न है कि आप लोगों को ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को जो हार्डवेयर मिल रहा है, इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 750G, ये कोई बहुत खास प्रोसेसर नहीं है, ये टिपिकल प्रोसेसर है। इवन 20,000 के फ़ोन्स के अंदर भी आप लोगों को ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो हार्डवेयर के मामले में कोई बहुत बढ़िया नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस कुछ एक्सीलेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर आप लोग सिर्फ इसकी ऑक्सीजन OS के लिए ही पे कर रहे हो, दैट्स इट। अब इसका ये जो प्रोसेसर है, इसकी क्वालिटी बहुत टिपिकल है, जो आप लोगों को स्टैंडर्ड 750G की देखने को मिल जाती है बजट फ़ोन्स के अंदर। कोई मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ बुरी भी नहीं है। इसके अंदर अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलते हो तो आप मीडियम सेटिंग के ऊपर आराम से लॉन्ग टाइम गेम्स खेल सकते हो अबाउट घंटे के लिए, एंड हाई के ऊपर अबाउट 20-25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फ़ोन थोड़ा आपका ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाता है। एंड अगर आप हैवी गेम्स जैसे कि गेंशन इंपैक्ट खेलना चाहते हो तो आप लोगों को एकदम लो पे ही खेलनी पड़ेगी, एंड दैट टू आप आई डोंट थिंक 10-15 मिनट से ज़्यादा खेल सकते हो, बिकॉज फ़ोन गर्म होने लग जाता है। एंड इस फ़ोन का ये थोड़ा सा इशू है गर्म होने का, अगर मैं कैमरा ऐप को ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कैमरा के अराउंड से गर्म हो रहा है फ़ोन। अगर मैं ज़्यादा हैवी गेम्स खेल रहा हूँ अबाउट 1 घंटे के अराउंड, तो भी फ़ोन थोड़ा गर्म हो रहा है। तो ये चीज़ है कि अगर आप हैवी काम करना चाहते हो, हैवी गेमिंग करना चाहते हो, लंबे लंबे आवर्स के लिए गेमिंग खेलना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को ये फ़ोन नहीं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़े से हीटिंग इश्यूज़ हैं एंड मुझे नहीं लगता कि विद टाइम ये फ़ोन के हीटिंग इश्यूज़ बेटर होंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। अब इसके कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो आपको इसके बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें से सिर्फ 2 कैमराज यूज़फुल हैं, बिकॉज इसका जो 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है, स्टिल आप लोगों को पता ही है कैसे कितना यूज़फुल होता है वो। अब इसके जो मेन कैमराज हैं, एक आप लोगों को इसके अंदर मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, एंड उसके बाद एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब इसका ये जो कैमरा एक्सपीरियंस है बहुत ओकेश है, कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब अगर आप वन प्लस को फॉलो करते हो ना, तो आप लोगों को पता होगा कि वन प्लस हमेशा कैमराज के डिपार्टमेंट में कोई एक्सलेंस नहीं करता, हमेशा टिपिकल ओकेश एवरेज एक्सपीरियंस रहता है। एंड सेम इज़ द केस विद नॉट सी। नॉट के मामले में कैमरा बहुत बुरे थे, बट हाँ सी के मामले में ओकेश हैं, कुछ बढ़िया नहीं है, ओके। अब आप लोगों को इसके अंदर जो मुझे इश्यूज मिले, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। अगर तो आप वाइड से अल्ट्रा वाइड के अंदर जाते हो, तो आपकी फोटोज के अंदर एक कलर शिफ्ट आ जाता है। तो ये एक इशू है, अगर आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि आपको कलर शिफ्ट आता है फोटोज के अंदर अल्ट्रा वाइड एंड वाइड के अंदर। और दूसरी चीज़, इसके फ़ोन के अंदर आप अगर HDR एंड सीन ऑप्टिमाइजेशन ऑन करके फोटोज़ खींच रहे ना, तो आपकी फोटोज़ अच्छी आती हैं, मतलब लगा लो कि अच्छी आ रही हैं आपकी फ़ोटोज़। बट अगर आप HDR एंड सीन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कर देते हो ना, तो आपकी फ़ोटोज़ बहुत बेकार हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। एंड अगर आप HDR एंड सीन ऑप्टिमाइजेशन ऑन रखते हो ना, तो आपकी कैमरा ऐप लैग करती है, स्पेशली अल्ट्रा वाइड के ऊपर, तो थोड़ा स्टटर देखने को मिल जाता है ऐप के अंदर। एंड ये चीज़ अगेन सॉफ्टवेयर इशू है, अब ये नहीं पता कि वन प्लस टाइम के साथ इसको रिजॉल्व करेगा या नहीं। तो अब इसके वीडियोस के बारे में बात करें, तो आप लोगों को इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। एंड मेरे अकॉर्डिंगली इट वर्क्स फाइन, एंड मतलब थोड़ा सा ना, कई बार ये 30 FPS पे बेटर वर्क करती है, कई बार 60 FPS पे, एंड मतलब मुझे इसकी परफॉर्मेंस ना कॉन्स्टेंट नहीं लगी। तो ये चीज़ थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है कि कई बार अच्छे से वर्क करता है, कई बार नहीं वर्क करता, बट जब वर्क करता है तब काफ़ी अच्छा वर्क करता है।
बाकी इस फोन के अंदर आप लोगों के जो नाइट मोड देखने को मिल जाता है ये भी कोई खास नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को सीधी बात बताता हूँ, जब मैंने इस फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप किया था ना, तो मैंने साथ ही साथ इसके अंदर जी कैम इंस्टॉल कर लिया था, बिकॉज मुझे पता था इसकी कैमरा परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी नहीं होने वाली। एंड इट इज़ ट्रू, नाइट मोड के मामले में जी कैम इससे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बेटर है, मतलब कोई मुकाबला तक नहीं है। तो सेम सेंसर है बट ऐप अलग है, तो वन प्लस की प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं अच्छी है। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरास की। तो इसके फ्रंट पे आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। अब ये वही टिपिकल सोनी सेंसर है जो वन प्लस के आप लोगों को बाकी भी पिछले फोन्स में देखने को मिल जाता है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है, बाकी आप लोग यहाँ पे सैंपल्स देख सकते हो, तो इसकी परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। बट हाँ, एक इशू जो मुझे इसमें लगा ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर शार्पनिंग करता है इमेजेस की। एंड अगर आप वीडियो कॉल्स करना ज़्यादा पसंद करते हो ना, तो आप लोगों को ये इशू सच में आएगा, बिकॉज मैं जब व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स यूज़ कर रहा था तो मुझे बहुत ही कंप्लेंट मिली कि मेरी जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डिजिटल सी लगती है, बहुत ही ज़्यादा ओवर शार्प लगती है। तो ये चीज़ एक मतलब अच्छी नहीं लगी मुझे कि इसकी जो कैमरा है बहुत ज़्यादा ओवर शार्प कर देता है इमेजेस को। अब अगर आप इसका फुल कैमरा का रिव्यू देखना चाहते हो तो बी श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगला जो वीडियो है इसका फुल मैं आप लोगों को उसमें कैमरा रिव्यू ही देने वाला हूँ। तो बात करते हैं इसके पोर्ट्स एंड स्पीकर्स के बारे में। अब इस फोन के अंदर आप लोगों को मोनो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से मोनो स्पीकर्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लाउड चले जाते हैं। बट हाँ, एक इशू है कि अगर आप कुछ डायलॉग्स वगैरह वाली चीज़ देख रहे हो ना, तो हाई वॉल्यूम के ऊपर कई बार डायलॉग ना थोड़े से श्रिल लगते हैं, बट अदरवाइज ये स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि इस प्राइस रेंज पे स्टीरियो स्पीकर होने चाहिए थे, एंड टू बी ऑनेस्ट इस प्राइस रेंज पे जो बाकी फ़ोन हैं ना स्टीरियो स्पीकर्स वाले, उनके स्टीरियो स्पीकर्स कोई खास नहीं है, ठीक ठाक ही होते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली आप ना कहीं पे भी ऐसे पब्लिक में बैठ के अपने स्टीरियो स्पीकर्स नहीं यूज़ करने वाले, आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हेडफोन्स ही यूज़ करने वाले हो, तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। अ गुड पेयर ऑफ स्पीकर्स इज़ बेटर दैन अ स्टीरियो स्पीकर। तो बात यही है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इसके अंदर आप लोगों को अलर्ट स्लाइडर नहीं देखने को मिल जाता। एंड ये अगर आप कोई पुराने वन प्लस के फ़ोन से इसके ऊपर स्विच करना चाहते हो तो आप लोगों को लगेगा कि एक बमर है, बट हाँ अगर आप किसी और फ़ोन से यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी इस फोन के अंदर आप लोगों को हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, एंड ये बहुत बढ़िया बात करी वन प्लस ने कि इसके अंदर आप लोगों को हेडफोन जैक दे दिया है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट डोंगल्स कैरी करना अभी भी इतना नहीं कंफर्टेबल, एंड हर जगह आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं मिलता है, तो हेडफोन जैक इज एडेड बोनस। अब इसके अंदर आप लोगों को टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट 30 वॉट्स तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट ये स्टिल 2.1 टाइप सी पोर्ट है, तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर रेट्स नहीं देखने में को मिलेंगे। एंड साथ में मैं इस फोन को अगर चार्ज करता हूँ तो अबाउट मैं कह सकता हूँ कि एक आधे घंटे के अंदर ना मेरा 60% तक चार्ज होता है। वन प्लस जैसे क्लेम करता है कि 70%, उतना मेरा आज तक नहीं हुआ, हमेशा एट मैक्स मेरा 60 ही गया, इससे ऊपर भी नहीं गया। एंड अबाउट 1 hour 15 minutes के अंदर मेरा फ़ोन अबाउट 10 to 100 पहुंच जाता है हमेशा। इसके अंदर मुझे जो बैटरी लाइफ देखने को मिली, मुझे अराउंड 6 to 7 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है ऑन डेली बेसिस विदाउट एनी हैवी यूसेज। मेरी यूज नॉर्मल रहती है, मैं कुछ गेमिंग नहीं करता, हाँ कैमरा थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट हाँ 6 to 7 hours का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। एंड इसकी जो 4500 mAh की बैटरी है उसके हिसाब से ये ठीक भी है, तो उसकी बैटरी लाइफ मुझे लगता है कि मतलब अच्छी है, वेल ऑप्टिमाइज्ड। अगर आपको कुछ और चीज़ें जाननी है